नमस्कार दोस्तों, न्यू ट्रेडर्स डेली हेल्प में आपका स्वागत है। हम लोगों ने अभी कई चीज़ सीखे, हैमर, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, बहुत सारी चीज़ें सीखे हम लोगों ने। और आज हम लोग सीखेंगे कि कल यानी मंगलवार 29 तारीख को निफ्टी और बैंक निफ्टी तेजी रहेगी या मंदी रहेगी या फिर साइडवेज रहेगी, यानी कल बैंक निफ्टी क्या कर सकती है, हम लोग प्रेडिक्शन करेंगे, अनुमान लगाएंगे। और आज हमने बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड किया वो भी आपको दिखाएंगे। तो हम लोग चलते हैं चार्ट पे, पोज दोस्तों। हमारी बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आज है 44,494, यानी 44,500 के पास में हमने क्लोजिंग किया है। और आज हमारी बैंक निफ्टी ने 400 पॉइंट का उछाल मारा है। तो हम लोगों ने मॉर्निंग में कैसे ट्रेड किया वो आपको बताएंगे, और कल हमारी बैंक निफ्टी क्या कर सकती है वो भी बताएंगे। देखो, मॉर्निंग में जैसे मार्केट ओपन हुआ, ये 5 मिनट की कैंडल है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये टाइम फ्रेम 5 मिनट है। 5 मिनट की कैंडल ग्रीन कैंडल बनती है। अब ग्रीन कैंडल बनने के बाद में देखो, पहले 5 मिनट में हमको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ मार्केट को देखना है कि मार्केट कहाँ जा रही है। 5 मिनट के अंदर हमारी कैंडल ने हाई मारा 44,395। इसके बाद में फिर हाई मार के वो वापस आई। तो देखो, यहाँ आने के बाद में इसने क्या किया, यहाँ आते आते देखो, मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ सेलर का प्रेशर था, नीचे चली आ रही थी, यहाँ आने में 5 मिनट कंप्लीट हो गए। इसके बाद में ये रेड कैंडल की फॉर्मेशन, क्योंकि प्रेशर, सेलर का प्रेशर तेज था। जब देखो, हमने यहीं पे ट्रेड भी लिया है, पुट में यहाँ पे मैंने एंट्री लिया था। अब एंट्री लेने का रीजन क्या है वहाँ पे, क्योंकि कैंडल, अगर देखो, अगर ये ग्रीन कैंडल नीचे से आके यहाँ वापस आई होती और ऊपर की तरफ जा रही होती वापस, तो मैं पुट में एंट्री नहीं लेता, क्योंकि इसमें बायर का प्रेशर है और मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। और इस कैंडल में क्या हुआ, बायर यहाँ तक ले गए, यहाँ से फिर सेलर ने प्रेशर दिया, सेलर के प्रेशर से यहाँ तक आते आते 5 मिनट का टाइम ख़त्म हो गया और दूसरी कैंडल का इन्फॉर्मेशन चालू हो गया। अब यहाँ से जब रेड कैंडल बनना चालू हुई, चूँकि इधर से मार्केट नीचे आ रही थी, तो मैंने यहाँ पे एंट्री ले लिया। एंट्री लेने के बाद में मार्केट देखो यहाँ तक आई, यहाँ तक आने में एक लॉट में 800 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था, 800 रुपये पर लॉट का प्रॉफिट था, लेकिन मैं अभी उस टाइम में निकल नहीं पाया। फिर मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर जाके ये दूसरी कैंडल बनाना चालू करी। दूसरी कैंडल यहाँ तक आई नीचे, मैं सोच रहा था कि हो सकता है ये कैंडल ये अपने सपोर्ट को तोड़ दे। उस टाइम में ये जो आपको सपोर्ट लाइन दिख रही है, ये लाइन नहीं बनी थी, लेकिन जब आप ट्रेडिंग करने लग जाओगे, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हमारी तीसरी कैंडल है ये, अब ये कहाँ तक जाती है नीचे। लेकिन ये कैंडल जो है, ये सेकंड कैंडल को, ये थर्ड कैंडल जो है, सेकंड कैंडल के लो को ब्रेक नहीं कर पाई और मार्केट ऊपर जाने लगी। फिर मार्केट जब यहाँ पे थी, उस टाइम में मैंने एग्जिट किया, तो हमारे को 402 रुपये मिले, आधा हो गया हमारा प्रॉफिट, 402 रुपये। मैंने एक लॉट में ट्रेडिंग किया है, वो स्क्रीनशॉट आपको लगा दूंगा, आप देख लेना।
44,300 की कॉल में हमने एक लॉट पे 402 रुपए का प्रॉफिट किया था। फिर इसके बाद एग्जिट होने के बाद में मार्केट ये थोड़ा यहाँ नीचे भी आई, फिर यहाँ नीचे आने के बाद में नीचे से फिर ऊपर जाके ये फॉर्मेशन हुई। देखो यहाँ पे ये क्या हुआ, देखिए यहाँ पे मार्केट ने सस्टेन किया, सस्टेन करने के बाद फिर यहाँ से मार्केट ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आई, नीचे के बाद में ये फिर देखो यहाँ पे इस ये है, ये क्या है, ये 50 दिन का मूविंग एवरेज है, 50 दिन का, और ये 200 दिन का, ये 200 दिन का मूविंग एवरेज है। इसने देखो 50 दिन के यहाँ यहीं पे देखो यहाँ पे पूरा 50 दिन का मूविंग एवरेज के ऊपर ही ये चल रही थी। इसका मतलब है कि ये डेंजर जोन में चल रही थी, हम ना कॉल में एंट्री ले सकते थे ना पुट में एंट्री ले सकते थे, कुछ डिसाइड नहीं हो पा रहा था। फिर ये कैंडल ने हाई मारा, हाई मार के फिर ये दूसरी कैंडल देखो ऊपर से 200 दिन का मूविंग एवरेज है। अब यहाँ पे एंट्री लेने की हिम्मत नहीं थी क्योंकि अब ये कहाँ से कहाँ तक जाएगी, ये तो अचानक यहाँ देखो यहाँ तक तो मार्केट चली रही थी, इतना ऊपर बढ़ गई। अब इतना ऊपर बढ़ने के बाद में ऊपर में 200 का मूविंग एवरेज है तो हम एंट्री कैसे लें, क्योंकि यहाँ से मार्केट रिवर्स भी हो सकती है। हुआ वही, यहाँ पे 5 मिनट पूरा होता है ये दूसरी कैंडल का इन्फॉर्मेशन, और ये देखो मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट फिर थोड़ा सा नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर ऐसे नीचे करते हुए 200 के मूविंग एवरेज को ये क्रॉस करती है। अब जब 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस किया इसने तो ऊपर से देखो सपोर्ट लाइन है, रेजिस्टेंस है, ये हमारा फर्स्ट कैंडल का टॉप का जो रेजिस्टेंस बना हुआ है ये 15 मिनट का रेजिस्टेंस। फिर इसको इसने देखो टच किया, टच करके एक बार नीचे आती है, फिर ये कैंडल ने इसको ब्रेक कर दिया। अब हमारा यहाँ पे एंट्री बनती है, लेकिन एंट्री कैसे बनेगी, या तो ये यहाँ से सीधा जाए, सीधा कब जाएगी जब इस तरह से यहाँ पे ये सस्टेन करके तब ऊपर जाए तो हम एंट्री लेंगे, लेकिन हमको इंतज़ार था कि ये रीटेस्ट करे। देखो इसने रीटेस्ट किया, यहाँ ऊपर गई फिर आके रीटेस्ट करके फिर ये यहाँ तक गई, फिर इसके बाद में रीटेस्ट करी और फिर देखो यहाँ थोड़ी देर तक इसने सस्टेन किया, सस्टेन करने के बाद ऊपर गई, ऊपर से फिर ये देखो यहाँ तक गई। तो खैर आज जिसने भी कॉल में एंट्री लिया होगा उसने अच्छे पैसे कमाए। फिर यहाँ पे देखो शूटिंग स्टार जैसा बन, लेकिन ये परफेक्ट शूटिंग स्टार नहीं है, लेकिन यहाँ पे बिग नीचे हुई और ये और बॉडी नीचे हुई, बिग ऊपर हुई, तो देखो इसमें भी बिग ऊपर है, इसमें भी है, तो मार्केट यहाँ से थोड़ा नीचे ये दोजी बनाई और नीचे आई, फिर यहाँ आके इसने फिर सस्टेन किया। ये तो हो गई आज की मार्केट। अब कल क्या हो सकता है, कल होगा ये कि यदि मार्केट देखो 500 के पास में इसने क्लोजिंग दिया है, 500 से 600 के बीच में, 500 से 44,500 से 44,600 के बीच में, ये समझ लो ये नो ट्रेडिंग जोन है। अब यहाँ पे कैसे दिखेगा आपको, जब आप वन डे के चार्ट पे जाएंगे तब आपको दिखाई देगा, क्योंकि उस चार्ट में इस एरिया के अंदर में बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, समझ लीजिए कम से कम एक, जब मार्केट नीचे आई है तो 5 दिन का है, और जब मार्केट ऊपर जा रही थी तो 9 दिन का, 9 दिन जाने के टाइम में मार्केट इस एरिया में 9 दिन रुकी हुई है और नीचे आने की टाइम में 5 दिन रुकी हुई है। यदि ये मार्केट फ्लैट ओपन होके इस 500-600 के बीच में, 500 से 44,600 के बीच में ओपन होती है तो फिर हमको इंतज़ार रहेगा कि मार्केट यहाँ ओपन हो और यहाँ सस्टेन करे, सस्टेन करके ऊपर जाए यानी 600 को क्रॉस करेगी तो हम एंट्री लेंगे, 600 700 800 तक जाए या 45,000 तक जा सकती है यहाँ से, जब अगर ऊपर गई सस्टेन करके ऊपर गई तो। अगर डायरेक्ट ऊपर जाती है तो हम नहीं, या तो फिर डायरेक्ट ऊपर जाएगी, डायरेक्ट तो ऊपर जा ही नहीं सकती क्योंकि ये फंसी हुई है इस एरिया में, या अगर इस एरिया में फिर नीचे सस्टेन करके नीचे आती है
तो हम पुट 44,500 के नीचे जब आएगी, 44,500 के नीचे जब आएगी तब हम जाके पुट में एंट्री लेंगे। पुट में फिर हम 44,300, 44,200, 44 तक आ सकते हैं। अब मान लीजिए अगर गैप अप या गैप डाउन ओपन होती है, अगर गैप अप ये 44,600 के ऊपर इस एरिया में होती है, 44,600 के ऊपर इस एरिया में ओपन होके ऐसे ऊपर जाके थोड़ा सा रिटेस्ट करेगी, रिटेस्ट करके ऊपर जाती है तो हम 44,800, 900 या 45 तक के लिए ट्रेड करेंगे। अगर रिटेस्ट नहीं करते, यहाँ पे सस्टेन करके ऊपर जाती है तो भी हम 44,800, 900 और 45,000 के लिए ट्रेड करेंगे। अगर गैप डाउन होती है, गैप डाउन ओपन होके अगर ये 44,300 के नीचे, 44,300 के नीचे ऊपर या 44,400 से 44,300 के बीच में गैप डाउन ओपन होती है तो 44,400 है या 44,300 है, यहाँ पे होके ऊपर की तरफ अगर जाएगी तो हम बड़ी सावधानी से कम क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे। यदि यहाँ से ये नीचे की तरफ आती है तो हम 44,200, 44,100 या 44,000 तक का टारगेट प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, कल के ट्रेडिंग में क्या होने वाला है वो अनुमान हमने बता दिया है। बाकी मार्केट का तो कोई 100% कन्फर्मेशन होता नहीं है, और ये जो मैं बता रहा हूँ कोई आपको कॉल टिप्स नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ से बना रहा हूँ। कल आपका इसमें लॉस हो प्रॉफिट हो तो ये मत बोलना कि हमने बताया था। आपको अपने हिसाब से, अपने दिमाग से और अपने एक्सपर्ट से सलाह लेके ट्रेड करना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और मिलते हैं हम कल फिर किसी और वीडियो में। धन्यवाद।